यूएफसी 288 7 मई को आने वाला है और इसी हफ्ते के अंदर हमें ये एक जबरदस्त फाइट कार्ड देखने को मिलेगा यूएफसी की तरफ से। यहां पर पहले जो कोमेन इवेंट थी वो थी चार्ल्स ओलिवेरा और बनील डारियुश की, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा को जैसी इंजरी हुई तो यहां पर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट थी, जो कोमेन इवेंट थी, वो कैंसिल हो गई थी। और हम सब फाइट फैंस ये सोच रहे थे कि यार अब की बार ये जो कार्ड आएगा इसमें कोई फाइट तो है ही नहीं, सिर्फ जो हेनरी सहूडो और स्टर्लिंग की जो फाइट है उसके अलावा तो पूरा कार्ड खाली पड़ा है, कोई भी एक्साइटिंग फाइट नहीं है। तो ऐसे में दो स्टड वेल्टरवेट डिवीजन के, जिनका नाम है गिलबर्ट बर्न्स और बिलाल मोहम्मद, उन्होंने इस फाइट कार्ड को सेव किया और उन्होंने कहा कि एक जो टाइटल इलिमिनेटर जिसका आप सब वेट कर रहे थे, क्योंकि बनील डारियुश और ओलिवेरा में से जो जीतता उसे चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता और जो हार जाता उसके लिए टाटा बाय बाय हो जाता। तो सेम एक्साइटमेंट भरी फाइट एक और बनती थी और वो बनती थी बिलाल मोहम्मद की और गिलबर्ट बर्न्स की। दोनों ने स्टेप अप किया और अब ये फाइट को मेन इवेंट के रूप में हमें दिखाई देगी। अब को मेन इवेंट में मेन खास बात ये होगी इस फाइट की कि ये दोनों फाइटर एक ऐसे पोजिशन पर हैं रैंक 4 और 5 पर, बिलाल मोहम्मद की रैंक 4 है, गिलबर्ट बर्न की रैंक 5 है। इन दोनों में से कोई भी जीता उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा कोबी कोविंगटन और जो लियोन एडवर्ड है उसके विनर के साथ। तो यहां पर एक तरीके से जो जीता उसके लिए ये टाइटल देने वाली फाइट होगी, टाइटल मैच देने वाली फाइट होगी। तो दोनों में से दोनों के दोनों फाइटर ट्राई करेंगे कि हम ये फाइट जीत जाएं और हमें अपना टाइटल फाइट मिल जाए। तो कौन जीतने वाला है ये मैं आज के इस वीडियो के अंदर रिव्यू करूंगा, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यूएफसी को अगर आप पसंद करते हो देखना, यूएफसी की फाइट्स आपको पसंद है और आप अपडेटेड रहना चाहते हो खासकर हिंदी में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन मानता है कि यह फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। लाइक का बटन दबाइएगा। अब यहां पर यूएफसी 288 को कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में गिलबर्ट बर्न जो है उनका रिकॉर्ड है 22 विन 5 लॉस और बिलाल मोहम्मद का जो रिकॉर्ड है वो है 22 विन 3 लॉस, यानी कि दोनों फाइटर्स 22-22 फाइट जीत चुके हैं। दोनों फाइटर्स जो हैं वो टेक्निकल बहुत ज्यादा हैं, यानी दोनों फाइटर्स ने अपनी स्ट्राइकिंग को काफी इवॉल्व किया है, दोनों के दोनों का ग्राउंड गेम काफी अच्छा है। तो दोनों फाइटर्स जो हैं ये ऑलराउंड फाइटर हैं। दोनों फाइटर्स जब रिंग के अंदर उतरेंगे तो हमें ऑक्टागन के अंदर स्ट्राइकिंग में भी बराबरी देखने को मिलेगी और जुजुत्सु में और रेसलिंग में भी बराबरी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर दोनों फाइटर ऑलराउंडर हैं। अब यहां पर अगर मैं विंस की बात करूं तो गिलबर्ट बर्न्स ने जो 22 फाइट जीती हैं उसमें से 6 फाइट जीती है नॉकआउट से, 9 सबमिशन से और 7 डिसीजन से, यानी कि गिलबर्ट बर्न जो है वो नॉकआउट, सबमिशन और डिसीजन तीनों से जीतता है। दूसरी तरफ आप अगर बिलाल मोहम्मद को देखो तो इन 22 फाइट में से 5 नॉकआउट से जीती हैं, 1 सबमिशन से और 16 डिसीजन से। तो बिलाल मोहम्मद के जीतने के चांस कहीं ज्यादा डिसीजन विक्ट्री के हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बर्न्स को देखो तो बर्न्स नॉकआउट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वो सबमिट भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अभी फिलहाल के करियर में हम देखें तो जो गिलबर्ट बर्न्स हैं वो इतना सबमिशन की तरफ नहीं जाते हैं, उनकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी हो गई है। तो ये जो फाइट होगी ये मेरे हिसाब से एक स्ट्राइकिंग बैटल होगी, क्योंकि बिलाल मोहम्मद अब हबीब के साथ अपने ग्राउंड गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हबीब के साथ ट्रेनिंग करने से और अपने रेसलिंग बैकग्राउंड के होने से बिलाल मोहम्मद को दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली बर्न्स के खिलाफ फाइट करने में। यह तो रही बात ग्राउंड गेम कैंसल आउट होने की बात, अब स्ट्राइकिंग में अपर एंड किसका रहेगा? आप माने चाहे ना माने, जो पिछली फाइट जो थी बिलाल मोहम्मद की, उस फाइट के अंदर उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया मुझे, क्योंकि शॉन ब्रेडी के खिलाफ इनकी फाइट थी यूएफसी 280 में और शॉन ब्रेडी को मैं जिता रहा था, मुझे लग रहा था शॉन ब्रेडी अनडिफीटेड है, बिलाल मोहम्मद को हरा देगा, लेकिन जिस तरीके से स्ट्राइकिंग दिखाई बिलाल मोहम्मद ने, यह साफ हो गया है कि जिस तरीके का ग्राउंड गेम इनका था उसी लेवल पर अभी अपनी स्ट्राइकिंग को भी लेकर आ चुके हैं और ये मिक्स करते हैं अपने पूरे गेम को, यानी कि स्ट्राइकिंग के साथ अपने ग्राउंड गेम को इस तरीके से इन्होंने मिक्स कर लिया है कि ये अब जीत पे ही जीत हासिल करे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिलाल मोहम्मद को बड़े ध्यान से देखोगे तो
तो 2019 में जनवरी में 19 जनवरी को 2019 में ये फाइट हारे थे जॉफ नील से। जॉफ नील ने यूनैनिमस डिसीजन सही से हराया था। उसके बाद से लगभग 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं बिलाल मोहम्मद हारे नहीं है, और बिलाल मोहम्मद ने अपने गेम के अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं। तो आज के टाइम पर अगर आप गिल्बर्ट बर्न्स को देखो तो गिल्बर्ट बर्न्स जो है राशिद मेगामेडोव से हारे यूएफसी में एंट्री लेने के बाद, उसके बाद ये मिशेल प्रेरत से हारे, उसके बाद ये डैन हुकर से हारे, फिर उस्मान से, फिर हमजत से। लेकिन उसके बाद अगर आप फिलहाल देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी फाइट कर रहे हैं गिल्बर्ट बर्न्स, और पिछली फाइट इनकी इससे पिछले इवेंट में थी यूएफसी 287 में, और यूएफसी 287 में इन्होंने हरा दिया था होरे मास्विडल को यूनानिमस डिसीजन से। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही दूसरी फाइट इन्होंने जो है एक्सेप्ट कर ली, इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया कि बिलाल मोहम्मद आप आ जाओ, दोनों में से जो जीतेगा उसे टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए। तो ऐसे में 1 महीने के बाद ही दूसरी फाइट लेना, इसका मतलब यह है कि गिल्बर्ट बर्न्स को दोबारा से वेट कट करना पड़ेगा 1 महीने के बाद। और जब भी कोई फाइटर अपना वेट कट करता है कम कम टाइम में, थोड़े थोड़े टाइम में, तो ये उसकी बॉडी के ऊपर काफी नेगेटिव इफेक्ट डालता है, स्टेमिना के ऊपर और ओवरऑल कॉन्फिडेंस के ऊपर। यहां इस टाइम पर यूएफसी 288 में जो ये फाइट होगी, मुझे स्लाइटली जो एज लग रहा है, मुझे स्लाइटली एज लग रहा है बिलाल मोहम्मद की साइड, क्योंकि बिलाल मोहम्मद के पास हबीब भी हैं। बिलाल मोहम्मद एक ऑलराउंड फाइटर बन चुके हैं। आज से 2-2.5 साल पहले अगर इनकी फाइट होती तो गिल्बर्ट बर्न्स जीत जाते, लेकिन स्ट्राइकिंग के अंदर बिलाल मोहम्मद ने बहुत अच्छा काम किया है। अब पहले इन्होंने ये फाइट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो मैंने क्रिटिसाइज भी किया बिलाल मोहम्मद को, आप वीडियो देकर देख सकते हैं मेरी। लेकिन अब ये फाइट फिक्स हो चुकी है और ये फाइट होनी ही होनी है, तो ऐसे में बिलाल मोहम्मद को हम जीतता हुआ देख सकते हैं। मेरी प्रेडिक्शन होगी बिलाल मोहम्मद, क्योंकि दूसरा वेट कट 1 ही महीने के अंदर गिल्बर्ट बर्न्स को काफी दिक्कत देगा, और गिल्बर्ट बर्न्स आजकल ग्राउंड से ज्यादा कहीं स्ट्राइकिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और ऐसे में उनको बिलाल के सामने दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शॉन ब्रेडी को हराया, बिलाल की स्ट्राइकिंग भी टॉप लेवल की हो चुकी है। मेरा मानना यह है कि यह जो फाइट होगी यह बहुत ही तगड़ी, बहुत ही क्लोज फाइट होने वाली है, और यह फाइट डिसीजन तक नहीं जाएगी, क्योंकि यह जो को मेन इवेंट होगी, यह को मेन इवेंट भी 5 राउंड की कर रखी है। जैसे हमेशा सिर्फ मेन इवेंट 5 राउंड की होती है, बाकी की सभी फाइट 3-3 राउंड की होती है ना, ऐसे यह फाइट नहीं है। इस फाइट के अंदर बेटर फाइटर का पता करने के लिए ही ये फाइट फिक्स की गई है कि हु इज द बेटर फाइटर, और कभी भी 3 राउंड की फाइट में बेटर फाइटर का पता नहीं लगता, 5 राउंड की जो फाइट होती है कंप्लीट उसी के अंदर बेटर फाइटर का पता लगता है। तो ये फाइट हमारे सामने ला देगी हु इज द बेटर फाइटर एट दिस मोमेंट, और ऐसे में अगर मुझे पिक करना पड़े तो आई विल पिक बिलाल मोहम्मद। आप लोगों की पिक क्या है, बिलाल मोहम्मद या बर्न्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हाँ, बर्न्स ने काफी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस दी है, चिमाइव से वो हार गए लेकिन फाइट अच्छी की, उसके बाद इन्होंने जो फाइट की अपनी पिछली मास्विडाल से उसको भी हराया, लेकिन बिलाल मोहम्मद मुझे लग रहा है एक अलग ही टेंजेंट पर अभी चल रहे हैं और उन्हें एक टाइटल शॉट मिलना भी चाहिए। तो ऐसे में मेरी पिक है बिलाल मोहम्मद, क्योंकि लगातार 2 महीनों में 2 वेट कट करना काफी आपको डिप्लीट कर देता है, आपके स्टेमिना को गिरा देता है। आपकी क्या राय है, कौन जीत सकता है मुझे बताइएगा, और मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि ये आप एक फिनिश होता हुआ देखेंगे, और फिनिश भी होता हुआ आप देखेंगे किसके हाथों, बिलाल मोहम्मद के हाथों। अब सबमिट भी कर सकते हैं, नॉकआउट भी कर सकते हैं, डिसीजन विक्ट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि बिलाल मोहम्मद का करियर डिसीजन विक्ट्रीज की तरफ भी ज्यादा है, 16 डिसीजन विक्ट्री है। सबमिशन के मुझे इतने ज्यादा चांस नहीं लग रहे, क्योंकि यहां पर बिलाल मोहम्मद का सिर्फ 1 सबमिशन है, नॉकआउट या डिसीजन से ही बिलाल मोहम्मद मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस फाइट का मैंने एनालिसिस कर दिया है, कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो भी मैंने डिस्कस किया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यूएफसी 288 का जो मेन इवेंट होगा ट्रिपल सी वर्सेस एल्जामिन स्टर्लिंग, उसकी फाइट रिव्यू लेकर मैं कल आपके सामने आऊंगा, तो कल आपको यूएफसी 288 का कंप्लीट फाइट रिव्यू मिल जाएगा मेन इवेंट का। तो यहां पर आपका फेवरेट फाइटर कौन है, इन दोनों में से कौन आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। टेक केयर।